चलो सब सोन मीनार की तरफ। चलो मीनार की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो मीनार की ओर चलते हैं। जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा, चीनी मिनी, चलो चलो। खाना कहाँ गया? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? भूत भूत क्या? खाना गायब हो गया? जी हुजूर। ये हो क्या रहा है? पहले मेरा जादू गलत हो गया, औरतें गायब हो गई और अब खाना? कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोग चलिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। दाल में कुछ काला है, पर क्या काला साया या काला जादू? पता नहीं क्या वजह है कि सोन मीनार में एक के बाद एक गड़बड़ हुई जा रही है। सोन मीनार में पहली चीज देखी जो सोने की नहीं है। या अल्लाह, मुझे कुड़ी में ले बेकार का शोर मचा रहे हो। काम कर वरना मार मार के सबको भुतवा दूंगा। चल जा, काम कर। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम मुझे मत देखो। Oh, my God.
बचाएं, अपनी जान बचाएं, भागो। या अल्लाह, ये किसकी रूह है? हमें इस रूह से बचाइए। ऐसी तड़पती रूह किसी को नहीं छोड़ती। भागो यहां से। ये सब लोग काम छोड़ के भाग क्यों रहे? रुको, रुको। क्या हो क्या रहा है? रुको। सर। ये सब लोग भाग क्यों रहे? क्योंकि क्योंकि क्या बकवास करो? कहाँ है भूत? आपके पीछे 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 मेरे पीछे आपके पीछे कहाँ? कौन? तुम लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। क्या हमारा हुक्म है? कोई भूत भूत नहीं है, काम ना करने के बहाने। तो कम जरफों को भागने का बड़ा शौक है ना? अभी भगाता हूं कम भक्तों को। काल कहां है इनके मेरे जैसे हसीन से? कोई भी भाग ना पाए, चिपक जाए इनके जूते चप्पल जमीन से। पैर को क्या हो गया? अरे पैर को क्या हो गया? ये क्या, मेरे पैर चिपक गए। अरे या अल्लाह, ये क्या हुआ? चिपक गए? अब इन सब की खबर लेता हूं। हम सबके जूते जमीन से चिपक गए। लगता है ये उस तड़पती रूह का काम है। उसने हम सब पर काला जादू कर दिया है। लगता है अब वो हमें जहन्नुम की आग में जलाएगा। अरे भाइयों, जूते चप्पल तो चिपके हैं, लेकिन पैर तो आजाद है। जान बचाओ, भागो 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 भूत भूत भागो। अरे रुको रुको रुको। ये सब जूते चप्पल छोड़ के भाग गए? क्या भूत और रूह? ये सब आका को बताना पड़ेगा। जिनू ने हमारा काम कर दिया है। अब सोन मीनार में एक भी मजदूर नहीं है। अब कैसे होगी पूरी सोन मीनार? पर जिनू को वो नहीं दिखा जो हमें और उन मजदूरों को दिखा। मेरा मतलब दिखी अलादीन की रूह। नाजनीन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये कड़ा। दूसरा कड़ा 30 अशर्फियों का है। नहीं नहीं, हमारी अशर्फियाँ तो वापस ही दे दो हमें। ऐसे कैसे वापस कर दे और क्यों वापस कर दे भला? अपनी बहू से पूछो, ये कह रही थी इसने भी यही कड़ा पहना था, फिर भी गायब हुई थी ना। हम तुम्हारे झूठ के लिए 20 अशर्फियाँ नहीं देने वाले। लाओ अशर्फियाँ लौटाओ। अरे रहने दो। अम्मी। अरे गुल्लू, ये क्या कर रहा है? देख मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। अल्लाह। अम्मी, इनकी अशर्फियाँ देने दीजिए ना, वो मांग रहे हैं। तो कड़ा नहीं चाहिए। हमें भी तो ला दो। चलो चलो गुल्लू। अम्मी गुले गुलपाम। मेरी लाडली बहू। मेरी प्यारी प्यारी चांदी की बर्फी। लोगों के सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? अगर दो चार अशर्फियाँ घर में आ जाती तो क्या बुरा हो जाता? आज दो चार अशर्फियाँ आ जाती, पर कल सिपाही आते और हम सबको कैदी बनाकर ले जाते। ऐसे कैसे? ऐसे 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 अम्मी जान,
कि जिस औरत को अभी आप बेवकूफ बना के कड़ा बेच रही थी ना, उसके शौहर का भाई महल में सिपाही है और उसका महल में बहुत रुतबा है। और अगर उन्हें पता चलता ना कि हम यहाँ चोरी कर रहे हैं, तो हम महल से बेदखल तो होते ही, साथ में ही हम बंदी बना लिए जाते। और हाय अल्लाह, मेरे बेचारे गुल्लू की नौकरी भी चली जाती। अगर आप लोगों को लगता है मैं कुछ गलत कह रही हूँ, तो मैं माफी मांगती हूँ। क्यों? तो तुम माफी क्यों मांगोगी? लोगों को लूट रहे हो, लोगों को लूटते हो, पकड़ो इन्हें। पर मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, गुल्लू, गुल्लू, अम्मू, मुझे मत लेकर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। कौन है? ख्वाब था क्या? मगर ये पानी तो असली है। मेरा भाला कहाँ गया? मेरा अभी तो हाथ में ही था। भूत भागो, भूत भागो। आप इस वक्त यहाँ? जी, मैं शहजादी को देखने आया था। शहजादी कोई मिसर की मीनार है जो आप देखने आ गए? मुझे उनकी फिक्र है। फिक्र? देखिए, शहजादी की फिक्र करना तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं और ना ही आपका हक बनता है। और आप इतनी रात को यहाँ आ गए, वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह और होता तो 100 तरह की बातें बनती, तो अफवाहें फैलती, तो शहजादी की बदनामी हो जाती, तो बगदाद बर्बाद हो जाता, बगदाद की बदनामी हो जाता। या अल्लाह, आप हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। गहरी लंबी सांस लो, दिमाग और जुबान को आराम दो। आप मुझे बताइए कि शहजादी पहले से बेहतर हुई? जी, वो शहजादी की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। शहजादी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा दोस्त मिला। फिक्र मत करो पिद्दी, शहजादी जल्द होश में आ जाएंगी। अल्लाह करे अब आपकी बात सच हो जाए और शहजादी भी ठीक हो जाए। बीते वक्त के साथ शहजादी की परेशानियां और बढ़ती जा रही है, और सच कहूं तो एक बरस से मैंने उनको दिल से हंसते हुए नहीं देखा। और पता है अलादीन, वो बाबा माफ कीजिएगा, मैं पता नहीं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ। जी, शहजादी बहुत हिम्मत वाली है और मुझे यकीन है कि उन्हें उनके हिस्से की खुशी जरूर मिल जाएगी। मैं चलती हूँ, शहजादी को पंखा झालना है। दीदी, शुक्रिया। किस बात के लिए? बस शुक्रिया। जरा सोचो मियाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को और गुल्लू को गिरफ्तार होने से बचाया, पर सिपाहियों ने सारे कंगन जब्त कर लिए। अरे, उन्हें कंगनों के बारे में पता कैसे चला? हाँ, कैसे? कासिम भाई और रुबीना, वो तो कड़े खड़ी चुके थे, फिर लौटा गए।
उन्हें असलियत किसने बताई? किसने बताई बेटी? तो हाँ, किसने बताई? बहू ने। और किसने? सम सोने की अशर्फियों की। मैं भूली हूँ, मैं भूली हूँ कर करके बहू हमें उल्लू बना रही है। वैसे तो बहू को हमेशा गुस्सा करती हो, उसको डांटती रहती हो कि तुझे कुछ नहीं बनाना आता। अब जब वो कुछ बना रही है तो तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। और लौकी की सड़ी शक्ल वाले मुंह से कभी कभी अच्छी बात तो निकाल लिया करो। हाँ, मैं निकालता हूँ निकालता हूँ। बहू के अब्बू बहुत रईस आदमी है, जब वो दौलत लेकर आएंगे तो सोचो हमें कितना फायदा होगा। सोचो बेगम सोचो। अरे सोचना क्या है, एक साल से सुन रही हूँ। बहू के अब्बू आएंगे, इतनी दौलत लाएंगे, इतनी शर्फियाँ लाएंगे, खाक कयामत आने को है, पर बहू के अब्बू नहीं आ रहे। अरे और तो और दौलत क्या, यहाँ गोबर का ढेला तक नहीं आया। हमेशा कहाँ चल दिए? खाने को रोटी तो तुम देती नहीं हो, कम से कम पानी तो पीने दो। पियो पियो, जब 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 मनहूस आदमी और छोटी बहू, कसम सोने की अशर्फियों की। गुले गुलफाम, मेरा नाम भी नाजमीन है, मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों पर ठीक किया है। तुम किस खेत की मूली हो? नाजमीन किसी से नहीं डरती। अच्छा, सचमुच किसी से नहीं डरती? कौन? नाजमीन, नाजमीन। गिल्ली की आग। ओ सूखे तिनके, वो झाड़ू की तीली। तुमने बुलाया और ये तिनका उड़ा चला आया। पर तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता ना नाजनीन? ये तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम गई बेगम, अलविदा मेरी प्यारी बेगम, अलविदा। तुम्हें सच में किसी से डर नहीं लगता ना? लगता है, लगता है। मेरी जबान में गुदा थोड़ी है, मैं तो कुछ भी उलझुल भगती रहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है तेज हवा से, काले कुत्ते से, तो तुम मतलब आपसे। रुस्तम बगदाद, मेरे सरताज, वो सड़ी हुई खजूर ला मर गया। मैं हूँ बेगम, मैं। चली गई, पर अफसोस तुम्हें यहीं छोड़ गई। कसम सोने की अशर्फी की, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए मैं चुप जाना चाहिए। बेरू, वो चुड़ैल थी कौन? बहू, नाजमीन को पूरा यकीन है कि बहू सिर्फ शातिर लोमड़ी नहीं बल्कि बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल। Thank you.
झड़की किसने खोल दी? कौन है? कौन है? अरे कहिए कौन है जनाब? देखने में इतने लंबे चौड़े और याददाश्त के इतने कच्चे कि मुझे नहीं पहचाना। इसकी आवाज है और ये कहां से आ रही है? तुम्हें क्या चाहिए? हीरे जवाहरात, दौलत, हम सब देंगे तुम्हें। ना दौलत, ना हीरे मोती, ना अशर्फियां। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? बदला, 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 बदला। ऐसे डर गए कि जैसे सामने कोई भूत देख लिया हो। इन्हें खुद के अलावा दूसरे इंसान तक को देखने की फुर्सत नहीं है, भूत क्या देखेंगे? क्या मतलब? मतलब आपकी याद में हमारी प्यारी सारा जी सुंदर सी पूरी से सूखा पापड़ बन गई है, लेकिन आपको क्या पत्थर दिल। देखो एक काम करो, तुम लोग सारा जी के पास जाओ, उनसे कहो मैं उनसे मिलने आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। जुनैद जी, इसे देखिए। अरे इसमें तुमने पानी नहीं दिया? गलत बात है, गलत बात है ये। अरे गलत बात आप कर रहे हैं, इस पौधे को पौधा नहीं अपने और हमारी सारा जी का रिश्ता समझिए। क्या ऐ मुरझाए हुए फूल, तुम्हें तो किसी ने पानी नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को पानी दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। कौन है? कुछ याद आया? मैं याद दिलाता हूं, ये वो ही तलवार है जिससे तूने बादशाह सलामत का खून किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने किसी का खून नहीं किया, ये सब गलत बात है। ये सच है। देखो तुम जो भी हो झूठ बोल रहे हो। मैं वही हूँ, मैं वो मासूम हूँ जिसे तूने अपने शैतानी इरादों का शिकार बनाया था, खुद
गुनाह करके मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, इतने पर भी दिल नहीं भरा तो मुझे जिंदा चुनवा दिया। क्या? जिंदा चुनवा दिया, चुनवा दिया, चुनवा दिया। अलादीन, अलादीन, अलादीन। नहीं, अलादीन की रूह। तूने जिंदगी के साथ साथ सुकून भी छीन लिया और मुझे सुकून सिर्फ तेरी बर्बादी से मिलेगा। सफर जुल्म हो चुका है, अब इंसाफ होगा। चेहरे पर से शराफत का ये नकाब उतरेगा सफर। तेरा असली चेहरा बगदाद के सामने आएगा और ये अलादीन की रूह का वादा है। चिराग के जिन, चिराग, चिराग के जिन, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ कोई आके हमें इस मनुष्य से बचाएगा। सारा जी, मेरी सारा जी। अरे बचाओ हमें। आका, अरे मैं मुरझाए हुए फूलों से क्यों बात कर रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? आका जरूर किसी मुसीबत में, मुझे मुझे देखना होगा। हम तुमसे नहीं डरते, समझ गए? हम किसी से नहीं डरते। बचाओ बचाओ का शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप पड़े रहो। आका, 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 क्या हुआ? आका आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? वो अलादीन का भूत। अलादीन का भूत? हाँ। कहीं भी तो नहीं है आका, क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा अलादीन आ गया नकचड़ी, अब सब ठीक हो जाएगा। जो सफर ने मेरे साथ किया था वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। शहजादी के कमरे की हिफाजत और कड़ी कर दो। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। तुम लोगों के आका अब नहीं आने वाले। वो भूत भूत खेलने में मशरूफ है।
आप जानते हैं मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी आका, लेकिन मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम है आका इस दुनिया को दिल से जीतने आए हैं। खेल चाहे कोई भी खेले, आखिरी बाजी हमारे आका ही जीतते हैं। वाकई आका, आपने इतना अच्छा नाटक किया, उन्हें ऐसा बेवकूफ बनाया कि एक लम्हे के लिए तो सोन मीनार में हम भी डर गए थे। शुक्रिया टोली, जो कुछ भी हुआ सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने मिलके किया। जो पत्ता रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। भूत भूत के हमारे इस खेल को जमाने के लिए पहले जिनी मिनी ने यमन के कारीगरों को जमाया, इधर वो जमे और उधर अंगूठी छाप और चाचा ने उन सबका खाना छुपा दिया। और कारीगरों को लगा कि ये किसी रू का काम है। खाना खाना का खाना का सोन मीनार के बाद अलादीन के भूत ने महल आके एक पहरेदार की नींद उड़ाई और उसने बाकी सब। नाज़नीन किसी से नहीं डरती। देखो चाचा, अब मैं अपने जादू से एक डरावनी गुड़िया का वहम पैदा करता हूँ। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कौन है? अब तलवार बनने का वक्त आ गया है, हो जाओ शुरू। तुम लोगों के अलावा बुलबुल चाचा ने भी मेरी मदद की, उनकी बनाई इजाद पीकर ही मैं थोड़ा गायब और थोड़ा दिख पा रहा, ताकि सबको लगे कि मैं अलादीन नहीं, अलादीन की रूह। और उनकी इस इजाद का असर कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन जब तक रहता है कहर ढा देता है। बेशक काका, देखिए ना, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। अभी का अभी तो मैंने पहली चाल चली, जफर को छोटा सा झटका दिया, अब उसकी बारी। अब वो चाल चलेगा, लेकिन वो मुझे झटका नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूं। फिर भी वो चाल चलेगा, लेकिन मेरे पास उसकी हर एक चाल का जवाब होगा। बेशक काका, आज से एक बरस पहले मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं जीतूंगा, मेरी अम्मी, नकचड़ी, मेरा बगदाद, सच, इंसाफ, सब मेरे साथ जीतेंगे। अपनी अम्मी, मुल्क, मोहब्बत को मैं वापस पाकर रहूंगा। सफर की बर्बादी का खेल अली ने शुरू किया था, खत्म अलादीन की रूह करेगी। हम आपके साथ हैं। आका ने तो कमाल कर दिया, बगदाद में दमाल कर दिया और उस जफर की जिंदगी में बवाल कर दिया। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अलादीन के भूत के ढोल ने पूरे बगदाद में शोर मचा दिया, जिसे देखो उसकी ज़बान पे की बात है। अलादीन का भूत, अलादीन का भूत। देखिए तुम बुलबुल चाचा, इसका मतलब तुम तीनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। हमने पूरे बगदाद में यह खबर फैला दी कि लोगों ने अलादीन के भूत को देखा है। कुछ लोगों को लगता है कि अलादीन की रूह दीवार तोड़कर आजाद हो गई है
और कुछ को लगता है वो अपना बदला लेने वापस आई है। खबर ना हुई जंगल की आग हो गई आका। आग लग चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी आंच महल तक भी पहुंच गई होगी। बिल्कुल चाचा, खेल को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर इस महल में अलादीन का भूत है तो मेरा जादू उसे देख लेगा। तुझे पता है आलम, मेरी चाची ने अलादीन के भूत को आसमान में उड़ते हुए देखा। वो अपनी छोटी उंगली के इशारे से वो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। अरे अलादीन का भूत साथ में चाबुक लेकर चलता है। हा? इसकी मार से बचने का एक ही तरीका है। क्या? अपनी एक टांग पर खड़े होकर उसे 3 बार सलाम करो। मेरे पास तो टांग ही नहीं। 3 बार सलाम? अलादीन का भूत हम सब से बदला लेने आया है। हम सब खत्म अब। ए! शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग खाना खाते हो तो रायता फैलाते हो, पहरा देते हो तो काम फैलाते हो, और अब बात कर रहे हो तो अफवाह फैलाते हो। शर्म आनी चाहिए। चलो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ बेवकूफ। लेकिन क्या सच में इस महल में और सोन मीनार में लोगों ने अलादीन का भूत देखा? आका भी डर के मारे इस अलादीन के भूत की बात कर रहे थे। ये आवाज तो अली के कमरे से आ रही है। जाके देखता हूं आखिर माजरा क्या है। लाडले याद है ना हमने अलादीन की रूह को कैसे उड़ाया था? आपने तो कमाल कर दिया, छह खासे कालीन को रुमाल कर दिया। लटले इस पे खड़ा हो जा और उड़ जा, ये किसी को नजर नहीं आएगा। चाचा चाहिए हमेशा के लिए खराब हो गई। हमेशा के लिए तो वक्त भी खराब नहीं होता, ये क्यों होगा? जब जब तू अलादीन की रूह से वापस अली बनेगा तब ये भी जादुई कालीन बन जाएगा। मेरा कमाल बुलबुल चाचा। अब देखिएगा मैं और ये कालीन मिलकर करेंगे धमाल। तुम लोग को बढ़िया हंसी आ रही है? तुम में से किसी को इस तख्त पर सवार होकर उड़ना पड़ता ना तब समझ में आता। और वैसे भी इंसान से ही तो गलती होती है, इंसान गिर के ही सीखता है। पर हम तो जिन हैं। यही तो दिक्कत है, तभी तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। चाचा अगर आप नहीं होते ना तो ये नहीं हो पाता। आपने कमाल कर दिया। पर हमारा क्या? ये गलत बात है आपका।
इसका मतलब कि सारे काम बस ये बुल्लू करता है, हम तो बस मूंगफली छीलते रहते हैं। बुल्लू मत बोलो मुझे। ठीक है बुलबुल चिड़िया। चुप रे चंदू। चंदू मत कहो। चंदू 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 बुलू 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 बुलू। अरे तुम दोनों बुजुर्ग आपस में लड़ना बंद करो। आका सच सच बताइए, क्या अपनी टोली के बगैर आप आधे गायब हो पाते? जिन्नात की पूंछ में बड़ी ताकत होती है, अब मैं तुम तीनों की पूंछ के खजाने से कुछ अशर्फिया लूंगा। और जुगनू की रोशनी क्या तुम्हारे पर दादा डालेंगे? चाचा, सफर से बदला लेने के लिए मैं अपनी जान की बाजी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे क्या पता कि अपनी नाक की बाजी देनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। अरे लाडले, आधा गायब हो के अलादीन का भूत बनना है तो इसे घटक जा। घटक जा। चाचा, इस इजाद का असर कितनी देर तक रहेगा? इजाद का असर बस कुछ ही लम्हों तक रहेगा। इसका मतलब लाडले के पास भूत का नाटक करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा। बुलबुल चाचा, इस इजाद का असर कितनी देर तक रहेगा? इजाद का असर बस कुछ ही लम्हों तक रहेगा। इसका मतलब लाडले के पास भूत का नाटक करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा। आका, हमने भी तो आपकी मदद की ना। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि की यहाँ इतना संजीदा मामला चल रहा है और तुम ठीक ही कर रहे हो। मेरी प्यारी दुनिया की न्यारी, फूलों की क्यारी। हाँ हाँ, तुम भी आओ। मैं दिल से कहता हूँ, जैसे बाल्टी के बिना लोटा नहीं भरता, मैं तुम लोग के बिना कुछ नहीं कर पाता। शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया। अली साहब, दरवाजा खोलिए। अली साहब, दरवाजा खोलिए। जीनू, इस वक्त मैं देखता हूं। अलादीन, अली साहब, दरवाजा खोलिए। अली साहब, दरवाजा खोलिए। जीनू, इस वक्त सलाम जुनेद जी। सलाम सलाम। आप लोग इतनी देर रात क्यों जाग रहे हैं? आप भी तो जाग रहे हैं ना जुनैद जी। मैं वो
बोलो। अरे ये चांद चंगेजी मुझे हमेशा अपनी बातों में फंसा लेता है। नहीं नहीं, सवाल मैंने पहले किया है इसलिए जवाब भी पहले आप देंगे। बताइए आप लोग इतनी देर रात क्यों जाग रहे हैं? भूत की वजह से। वो दरअसल जुनैद जी, हम एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे थे। वो तो हम अक्सर करते रहते हैं। वैसे आपका पसंदीदा भूत कौन सा है? पसंदीदा भूत? लंबे पैरों वाला या टेढ़ी गर्दन वाला? मेरी प्यारी सारा जी कितनी खतरनाक बातें कर रही हैं। खतरनाक? कैसी खतरनाक बातें? वो नहीं, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस चादर के नीचे कौन है? अरे मजाक कर रहे हैं जुनैद जी, इस चादर में हमारे अली भाई जान है। वो क्या है ना, इन्हें भी आपकी तरफ भूत के नाम से ही डर लगता है, इसलिए चादर के नीचे छुप गए। नहीं, 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 पहली बात मुझे डर नहीं लगता। और भूत 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 मेरा मतलब है, कहाँ है, किधर है भूत? ला बुलाओ, मुझे डर नहीं लगता। वैसे डर से याद आया, आप लोग ये जो भूत की बातें कर रहे हैं तो आपके भाईजान भी आपके बगल में ही खड़े हैं, चादर के नीचे हैं, तो क्या उन्हें सुनाई नहीं देगा? जुनैद जी, अब हमारे अली भाईजान को लगता है भूतों की कहानियां होती हैं वहां भूत भी होते हैं, तो इसलिए जैसे वो भूत से टकरा ना जाए वो चादर के नीचे छुप जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। आपके भाईजान जो चादर के नीचे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भूत आ गया? मान लो भूत नहीं आया तो, इसलिए मैं चादर हटा देता हूं। मैं चीखा, शक के पुतले जुनैद जी। अच्छा ये चीखे थे। आज के लिए कहानियां बहुत हो गई, चलो चल के सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं क्या मतलब? क्या गोद में सोएंगे? तुम अपने कमरे में सो, मैं अपने कमरे में सोऊंगा, बेवकूफ। चलो अब सो जाते हैं।
या अल्लाह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सारे भूतों की कहानियां सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब जुनैद जी, मुझे कहीं खुलिया मामे लेकर चलिए। मेरे प्यार को गुब्बारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, चलिए। अब ये डर के जीना भी कोई जीना है जुनैद जी? मेरे चक्कर सब कुछ ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। पर लेकिन पर ही तो है जुनैद जी, ख्वाबों के पर लगाकर नींदों के आसमान में उड़ जाइए जुनैद जी, जाइए, उड़ जाइए, जाइए। भतीजे, माहौल खतरनाक है, बच के रहना। हाय अल्लाह, इस लेप को लगाकर तो दिन में भी मैं चांद सी रोशन दिखूंगी। कहीं मेरी खूबसूरती को नजर ना लग जाए। बेगम, ओ बेगम, क्या है? ये आईना नीचे रख दो। क्यों? जब तुम इसके सामने खड़ी होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक से दो हो गई हो और मेरी रूह कांपने लगती है। कसम सोने की अशर्फियों की, ये पिद्दी जैसे बदन में रूह भी है, जान भी है, दो गज लंबी जबान भी है। जबान को लपेट के खत्म कर दूंगी, चुप रहो। अरे बेगम, वैसे तुम ये आईना लाई क्यों हो? मियां, कहते हैं आईने में इंसान का असली अक्स नजर आता है। कल जो हमारे साथ हुआ वो कुछ तिलस्मी था। मुझे तो बहू पर शक है, अगर उस आईने में दिखी यानी वो इंसान है, और अगर वो नजर नहीं आई यानी हमारी बहू चुड़ैल है। निकाह से पहले हम बहू को देख कर आए थे, अब नहीं देखने जा रहे बेगम। हो गया, चलो अब चलो ना। मुझे छोड़ दो। बड़ी मुसीबत है, चूहे और हाथी की जोड़ी। और ये है या निकल लिए? अबू, अबू, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। अल्लाह, ना जाने ये चूहे और हाथी को हुआ क्या है? खुद से वक्त को कटता नहीं, तलवार से रूह काटने चले। इनको तो मैं अलादीन की रूह बिना नहीं डरा सकता हूं। सफा, देखो कौन आया है। अलादीन, अलादीन, अली साहब, ये क्या बेहुदा मजाक है? और सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं हमारे कमरे में?
वजीर आला, अपने दिल का हाल अपने दोस्त को बताने आया हूँ। इधर आइए। वजीर आला, ये क्या हो रहा है? बगदाद में मेरे महल में, मतलब आपके महल में लोग क्या कह रहे हैं कि अलादीन का भूत आ गया है? ये अफवाह है या सच? अली साहब, अगर ये बात सच होती तो अफवाह नहीं फैलती। हाँ, सवाल उसकी रूह का, उसके भूत का, उस दो कौड़ी के। इंसान को हमने जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी दफन कर दिया था। ये यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, समझे आप? ठीक है। माफ कीजिएगा आका, लेकिन मैंने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अलादीन का भूत मुझे नहीं दिखा। आका, मैंने महल के ऊपर जाके देखा, नीचे जाके आप ये अपनी मोटी मोटी आंखें से मुझे क्या दिखा, मैं समझ नहीं। आका, शायद आप भूल रहे, वो अलादीन का भूत आया था, आप डर रहे थे, कर रहे थे, याद आया? याद आया? हाँ, मुझे याद आया। यमन से वो जो मजदूर आए थे सोन मीनार में, वो डर के भाग गए, कहने लगे अब हम दोबारा नहीं आएंगे। रुक क्यों गए? और बोलो। माशाल्लाह, आज आपको मेरी बातें रसगुल्ली सी मीठी लग रही हैं कि खा खा के दिल नहीं भरा। सुनो, जिस्म के पक्के और अकल के कच्चे चिराग के जिन, और अली साहब आप कुछ देर बाद हमें हमारे कमरे में मिलिए। बहुत बातें करनी है, मुश्किलात हैं, हल निकालना है उन सब का। बात है, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कोई बात करनी थी? बात करने का वक्त गया रुखसार, हम सवाल करने आए हैं। तुम और तुम्हारे घर वाले हम सबकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? क्या कह रही हो तुम साइमा? साइमा ठीक कह रही है, इतनी भोली मत बनो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बेटे की रूह पूरे शहर में झूम उठा रही है? मेरे बेटे की रूह? नाटक करना बंद करो रुखसार, तुम्हारे गद्दार बेटे अलादीन की रूह कल रात से सारे शहर को तंग कर रही है और तुम्हें पता तक नहीं। वजीर आला ने इसके गुनहगार बेटे को सजा दी और अब इसके बेटे की रूह हम सबको मौत देगी। बस कीजिए आप सब, मेरा बेटा एक मासूम और नेक लड़का था। जब तक वो जिंदा था तब भी दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था। तुम्हारे कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा, और तुम्हारे बेटे अलादीन की रूह ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, सही कहा। अच्छा नहीं होगा। अलादीन की रूह? आका, आका, अलादीन का भूत आ गया है। वहाँ सोन मीनार में मजदूर डर के मारे भाग गए, और तो और लाल चांद की रात करीब है। आका, हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम हमें ये बात नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि दिक्कत क्या है ना? शुक्रिया आका, शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था। चुप करो। शुक्रिया आका, तुम है ना मुसीबत पर ढाया करो, हल बताओ हमें।
अली साहब, हमें तो नहीं लगता कि अब यमन का कोई इंसान आकर यहाँ सोन मीनार पे काम करना चाहेगा। यही तो मैं चाहता था कि सोन मीनार का काम अटका रहे और लाल चांद की रात खैरियत से निकल जाए। सोन मीनार का काम कैसे पूरा होगा वजीर आला? एक तरीका है, भले ही यमन के लोग राजी ना हों भूत के डर से यहाँ काम करने के लिए, पर हमारे प्यारे बगदाद के लोग किस दिन काम आएंगे? पर वजीर आला, शहजादी को ये बात पता चली तो? अरे शहजादी को रहने दो बेहोशी के आलम में, वो बेहोश हैं और जब तक वो बेहोश हैं मतलब बगदाद की भागदौड़ हमारे हाथों में है। कौन रोकेगा, कौन रोकेगा हमें? माशाल्लाह, क्या हो गया अली साहब, लगता है आप हमारे दिमाग के कायल हो गए। वजीर आला, आपने अभी तक से राज रखा है, अगर बगदाद के लोग वहां काम करेंगे तो ये राज तो खुल जाएगा ना? यही तो हमारी तरकीब है कि सोन मीनार का राज खुल जाएगा और उसी राज के खुलने की वजह से अलादीन के भूत की खबर ये दफन हो जाएगी। दरअसल दुनिया का कायदा है, बड़ी खबर फैला दो, छोटी खबर खुद ब खुद मर जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आका, वाह सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ख्याल अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में भी एक ख्याल आया वजीर आला, जिससे लोगों के दिल में अलादीन की रूह का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कहिए। हाँ वजीर आला, आप ही सोन मीनार में एक रात गुजार लीजिए, मतलब फिर साबित हो जाएगा ना कि वहां पे अलादीन की रूह है या नहीं। आप सबको आके बता दीजिए कि हाँ वहां पे कोई अलादीन की रूह नहीं, और अगर होती भी है तो आपका क्या बिगाड़ सकती है वजीर आला। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए देखिए, हमें लगता है सोन मीनार में जाके हम फिजूल का अपना वक्त बर्बाद करेंगे, इसलिए ये सब बातें बनती नहीं है, है ना? तो वजीर आला, ये काम किसी ऐसे बंदे को दीजिए जो जो भरोसेमंद आपके जैसा बहादुर और जिसे सब जानते हो। वजीर आला, सोन मीनार का काम अगर आपको शुरू करवाना है तो किसी सिपाही को वहां पर सरप्रस बनाकर भेजिए, ताकि वहां पर रह रहे लोगों के दिलों में जो डर है वो भाग जाए। पर किसे? आदाब। सुबेदार कुल बदन, हमने मुबारक हो कुल बदन, किस्मत यानी कि मेरे भाईजान तुम पे मेहरबान हो गए। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे थे कि वजीर आला ने तुम्हें वो मौका दिया है जिसके लिए बगदाद के सिपाही गाजर मूली की तरह कट 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 कटने के लिए तैयार हैं। अच्छा? हाँ। पापड़ की तरह बिलने को तैयार हैं। देखो हम तपती धूप में तड़पने को तैयार हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जिम्मेदारी देनी हमें है, लेनी इसे है। आप दोनों बीच में बोल रहे हैं, चुप रहिए।
गुलबदन, हम चाहते हैं कि सोन मीनार की जो भागडोर है वो तुम अपने हाथों में ले। गुलबदन, किस्मत यानी कि मेरे भाईजान तुम पे मेहरबान हो गए। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे थे कि वज़ीरे आला ने तुम्हें वो मौका दिया है जिसके लिए बगदाद के सिपाही गाजर मूली की तरह कट 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 कटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पापड़ की तरह मिलने को तैयार हैं। देखो, हम तपती धूप में तड़पने को तैयार हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। जिम्मेदारी देनी हमें है, लेनी इसे। आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। हाँ, क्यों? चुप रहिए। गुलबदन, हम चाहते हैं कि सोन मीनार की जो भागडोर है वो तुम अपने हाथों में ले। हैं? सोन मीनार? ये क्या है वजीर आला? सोन मीनार यानी सोने की मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सोने से बनी हुई मीनार, जिसे देखने लोग अलग अलग मुल्क से आएंगे, दुनिया के हर कोने से, जिसकी वजह से हमारा बगदाद अमीर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां के जो कारागीर हैं उनकी जिम्मेदारी उनका सरपरस्त तुम बनो। मुझे पता था, मालूम था मुझे कि मेरी किस्मत पर मेरे अम्मी अब्बू ने जो ताला मेरे पैदा होते ही लगा दिया था वो एक दिन खुलेगा जरूर, और वो आज खुल गया। शुक्रिया वजीरे आला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाद में, अभी इतना वक्त नहीं है। अभी जाओ सोन मीनार में, आज रात रुको, फिर वापस आओ, देखो कितने मजदूरों की जरूरत है, उन्हें लेके जाओ। चुनैद जी, आज रात? हाँ, क्यों आज रात? तुम्हें किसी निकाह में नाचना है? नहीं नहीं नहीं, निकाह में नाचना नहीं है, लेकिन ना आज नहीं, हमें लगता था कि तुम हमारे लायक सिपाही हो, पर लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। नहीं 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 वजीर आला, वो ना दरअसल क्या है कि आज मेरे निकाह की सालगिरह है, तो ऐसे में अपनी गुल्लू को, मेरा मतलब अपनी बेगम को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता ना। अरे तो कौन कह रहा है अकेले छोड़ के जाने को? तुम अपनी गुल्लू, मेरा मतलब है कि तुम्हारी बीवी, अम्मी, अब्बू तीनों को साथ ले जाओ, वो भी सोन मीनार देख लेंगे, वजीर आला भी खुश और भी खुश, सबको ले जाओ। अली साहब, आपको पता है आपने ना मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। जाओ जाओ जाओ। ये आपने गुलबदन से कहा कि वो अपनी अम्मी, बेगम, अब्बू सबको ले जाए सोन मीनार पर। वजीर आला, आपने गुलबदन की गोल मोटोल अम्मी को देखा है? वो 15 की 15 रोटी एक बार में पचा सकती है, लेकिन एक बात नहीं पचा सकती। सोचिए, जब गुल्लू की अम्मी सोन मीनार से आएंगी तो कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे बगदाद में फैल जाएगी, फिर सब वहां जाना चाहेंगे। बैठे बैठे आपका काम हो रहा है वजीर आला। बेहतरीन। आई बला को डाल तू। अलादीन की जोड़ Thank you.
अली साहब आप? और नहीं तो क्या, अलादीन का भूत। मेरे रहते हुए शहजादी के कमरे में भूत? बला काला साया तक नहीं आ सकता। और अगर कोई बुरी नजर डालने वाला भी आया ना तो फंस जाएगा। अली साहब, शहजादी कैसी हैं? पहले से बेहतर? हिम्मत रखो बिद्दी, मुझे हम सबको शहजादी की बहुत फिक्र है और हम सबकी दुआ इनके साथ है। अली साहब कभी कभी बड़े चालाक लगते, कभी कभी बहुत भोले दिखते हैं। तो लड़का है या पहेली? शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। तुम्हारे गद्दार बेटे अलादीन की रूह कल रात से सारे शहर को तंग कर रही है और तुम्हें पता तक नहीं। वजीर आला ने इसके गुनहगार बेटे को सजा दी और अब इसके बेटे की रूह हम सबको मौत देगी। अलादीन? किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप जो आपने मुझे आते हुए देखा नहीं? कहीं आप अलादीन के भूत के ख्यालों में तो नहीं खोई हुई? मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। आप तो मजाक कर रहे थे पर अलादीन का भूत कहीं सच? देखिए, मैंने भी आपकी तरह उड़ती उड़ती खबरें सुनी और जब तक मैं खुद नहीं देख लेता ये मेरे लिए अफवाह है। और हो सकता है कि यह खबर झूठी भी हो। और सच्ची भी? जिन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियां और सुकून देना चाहता था, उस कमीने जफर की वजह से मुझे उन्हें दर्द और आंसू देने पड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर आपका अलादीन आपसे वादा करता है कि गमों की रात जल्द ही कटेगी, मुस्कुराहटों का सूरज निकलने ही वाला है, सच सबके सामने आने वाला है। सोने की अशर्फियों की, मेरा बरसों पुराना सोन मीनार जाने का ख्वाब अब जाकर पूरा होगा।
मैं सोन मीनार अपने धानी रंग का शरारा पहन के जाऊंगी। फिर भी लगोगी तो फटी हुई ढोलकी ना। कुछ नहीं, मैंने कहा मेरी खूबसूरत प्यारी बीवी और खूबसूरत लगेगी। पंखा चलाओ। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, बहुत अच्छा। अब वो मैं क्या कह रही थी आप दोनों से, पहले घर का खाना बना लीजिएगा, फिर सफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या पहनना है ना ये सोच लीजिएगा, है ना बेगम। खाना भी तैयार कर लीजिए और खुद भी तैयार हो जाइए। क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अरे काम के साथ साथ छुट्टी भी हो जाएगी और भाई मेरे भाई अलादीन के भूत का खतरा भी नहीं रहेगा। और वहां गुल्लू और उसके घर वालों को अलादीन का भूत मिलेगा। अब आएगा मजा। उस गुल्लू के अम्मी अब्बू ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और अब हम उन्हें सताएंगे। सही कह रहे हो चचा, उस भैंस और बगले की जोड़ी ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और हमारे आका यानी अलादीन को फंसाया है। उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी हो। और सबसे जरूरी बात, जिनू के जादू से जफर ने नकचड़ी को गहरी नींद में सुला दिया। जोर डाल के हमें जफर से नकचड़ी को ठीक करने का तरीका पता लगाना होगा। मगर आका जोर कौन डालेगा? गुल्लू और उसके उल्लू घर वालों के जरिए। वो लोग सोन मीनार में अलादीन के भूत के जुल्मो सितम से परेशान होकर जफर के पास भागते हुए जाएंगे और तभी हमें नकचड़ी को बचाने का तरीका भी पता चलेगा। वाह का, क्या दमदार तरकीब बताई आपने। तुम लोगों को याद है ना कि क्या करना है? किसी भी कदम पर गलती नहीं होगी। बाजा बजाना बंद कीजिए और मेरी परेशानी दूर कीजिए। अरे यहाँ हर कोई अलादीन के भूत से कांप रहा है, डर रहा है। उधर सोन मीनार के मजदूर अपना काम छोड़ के भाग गए, उसमें ये उल्लू गुल्लू अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने जा रहा है। अरे उसमें हमारा क्या फायदा है आका, बताइए। हमारा क्या फायदा है, यही पूछ रहा हूं। हमारी बात तो गौर से सुनो गुलबदन, और उसके घर वाले वहां उस सोन मीनार में जाएंगे जहां कोई भी नहीं होगा, तब वहां पहुंचेगा अलादीन का भूत। गुलबदन, उसकी तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बा, वो भी वहां पहुंचेंगे। अलादीन उन पर हमला करेगा क्योंकि वो अलादीन के गुनहगार हैं। वहां से वो हमला करेगा और यहां से उन्हें बचाने उस भूत की धज्जियां उड़ाने जाओगे तुम। अलादीन का भूत पहली मर्तबा सोन मीनार में दिखा था, आखिरी मर्तबा भी सोन मीनार में ही दिखेगा। आने लो। हाहाहा
मैं जानता हूं तुम्हें मुझे परेशान देखना पसंद नहीं है। लोगों को मौत से डर लगता है और मुझे तो तुम्हें खोने के ख्याल से जफर ने जिन्नू के जादू का फायदा उठा के तुम्हारी नींद को और गहरा कर दिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊं। इश्क पुराना हो जाए तो याद बन जाता है और याद पुरानी हो जाए तो हिम्मत है। ताकतें दो यार मेरी, इश्क मेरा, याद तेरी। काले चोर का इश्क और काली चोरनी की यादें। मैं फहराल को हराने की याद है, उसको मारकर कितने मासूमों की जान बचाने की याद है। आधी रात को जंगली बिल्ली की मेरे घर आने की याद है। ये बिल्ली तो आज पहली बार हमारी रसोई में आई है। शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी काल वाली। सुना है कि जंगली बिल्लियों के कान बड़े तेज होते हैं, नींद में भी सब सुन लेते हैं। तुम भी सुन रही हो ननक चलो। मैं बहुत खतरनाक खेल खेल रहा हूं नकचड़ी, अलादीन की रूह का सहारा लेके सफर का सच पूरी दुनिया के सामने लाने जा रहा हूं। नकचड़ी तुम तो जानती हो ना कि आज तक मैंने कोई भी बाजी तुम्हारे बिना नहीं जीती, इसलिए आज की नफरत और कल की मोहब्बत दोनों का वास्ता है तुम। मुझे एक इशारा दे दो कि तुम मेरे साथ। तुम्हारे बिना अधूरा हूं नकचड़ी, बस एक इशारा ही तो मांग रहा हूं। सताने में बहुत मजा आ रहा है ना, एक बार होश में आ जाओ फिर देखना मैं कैसे सताता हूं। और जाने की बात सोचना भी मत, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
ये गाना है तो नहीं पर एक दिन बनेगा जरूर। इशारा तो नहीं दिया लेकिन दुआ में याद रखना।